नहीं जी, जैसा मैंने आपको बताया ना कि अभी आधे घंटे इंतज़ार के बाद 4 बजे का टाइम था, और अगर इस वक्त मैं टाइम देखूं 5:01, 1 घंटा हो गया, और एग्जैक्टली एक घंटे के बाद जो हाल भरता हुआ नज़र आ रहा है सामने, माशाल्लाह बड़े बड़े बैनर लगे हुए हैं, इंडिपेंडेंस डे और फिर जर्मन झंडा, पाकिस्तान का झंडा, फिर और इसके अंदर अब ये आहिस्ता आहिस्ता जो लोग हैं वो आते चले जाएंगे और थोड़ी देर में इंशाल्लाह यहाँ आगाज़ हो जाएगा प्रोग्राम का, और मुझे उम्मीद है कि जो दोस्त देखेंगे वो भी इंजॉय करेंगे इसको। नहीं जी, हम अपने दोस्तों के साथ, मेहमानों के साथ, ऑर्गेनाइजर्स के साथ जो इंटरव्यूज़ का सिलसिला है उसको आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है प्रोग्राम शुरू करने में। तो हमारे साथ एक मारूफ हस्ती मौजूद हैं, इनसे इन्हीं की ज़ुबान से पहले तारुफ हासिल करते हैं, फिर उसके बाद आज का जो प्रोग्राम इंडिपेंडेंस डे के हवाले से हो रहा है इसके मतलब पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरा नाम असदुल्लाह खान तारिक है और मैं अरसा 35 साल से जर्मनी में मुकीम हूँ। मैं तकरीबन 1982 में इधर आया था और यहाँ पर हम एक पॉलिसी थी लुफ्तांज़ा वालों की, अच्छा, यहाँ पर वेयर हाउस लेने की, तो हमने यहाँ पे वेयर हाउस हायर किया था और हम बिजनेस के वीज़े पर यहाँ पर आए थे। अच्छा। उसके बाद जो इन्होंने हमसे टर्म्स एंड कंडीशन तय की थी उस पर पूरे नहीं उतरे, अच्छा, तो इन्होंने कहा कि आप कोई और बिजनेस कर लें यहाँ पर, हम आपको फैसिलिटी देंगे, लेकिन जो हमने आपसे कहा था वो हमारे बस की बात नहीं है। अच्छा। तो ये हमारे लिए कॉर्पोरेट्स की मार्केटिंग करना चाह रहे थे और ये नहीं कर पाए। उसके बाद फिर हमने टेक्सटाइल यहाँ से काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता हमने यहाँ पर जो होम टेक्सटाइल होती हैं उसका कारोबार शुरू किया, और माशाल्लाह कई ख्याल है कि 15-20 साल तक मैं करता रहा अपना हमारा वेयर हाउस का। अच्छा। फिर उसके बाद मेरी मिसेज हैं, इनका यहाँ बुटीक थी। अच्छा। और हमारा छोटा सा रेस्टोरेंट भी यहाँ पर रहा। अच्छा। उसके बाद फिर आज से 10 साल कबल कुछ हमारे कारोबार में दौर चढ़ा तो आता ही रहता है। जी जी। फिर हमने कारोबार छोड़ दिया था। ठीक है। लेकिन अभी भी हम टेक्सटाइल का कारोबार करते हैं और ज़्यादातर मैं ट्रेडिंग या मार्केटिंग करता हूँ। बिल्कुल सही। यहाँ पे वेयर हाउस वगैरह नहीं है कारोबार। राइट। जहाँ तक ये कराची कम्युनिटी का ताल्लुक है जी। तो मैं आज़ाद साहब से आज से 35 साल पहले मेरी मुलाकात। अच्छा। मेरे लिए बड़े दरीन ताल्लुक आते हैं। अच्छा। वजह सिर्फ ये थी कि जिस वक्त हम शुरू में यहाँ आए थे तो यहाँ पर कराची के लोग बहुत कम थे। ठीक। और इसका मतलब ये नहीं है कि कराची की तकसीम किया जा रहा है मुल्क में, बात नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उर्दू बोलने की वजह से आपस में यारी दोस्ती और ताल्लुकात जो थे वो बढ़ने शुरू हो गए। बिल्कुल ठीक। और उस टाइम तो कोई भी नहीं थे जो यहाँ कराची के लोग थे, हमें उर्दू बोलने की बड़ी प्रॉब्लम होती थी। ठीक है। मेरी मिसेज हैं, इनको पंजाबी बिल्कुल समझ नहीं आती, ये सिंधी है। अच्छा। अच्छा। ये मुझे कहती है कि सिंधी कम्युनिटी भी होनी चाहिए। राइट। लेकिन हमें अभी तक कोई मुलाकात नहीं हुई सिंधी लोगों से। राइट। सिंधी बोलती नहीं है, यहाँ पर समझ नहीं आती। बिल्कुल सही। तो बहरहाल मैं ये जो इन्होंने आज़ाद साहब ने जो कराची कम्युनिटी के सिलसिला काम किया है, मैं इसको बड़ा खुशहाल समझता हूँ। लोग इसको गलत ना समझें कि ये कोई इलाकाई तंजीम है जी, बल्कि ये एक जैसी जबान आपस में बोलने वालों का एक सिलसिला है जो कि आपस में एक तकवीत पहुँचाता है बोल कर। ये जैसे कि कल को यहाँ पर कोई चकवार का कोई एक ग्रुप जमा हो जाए, आपस में जब बोलेंगे तो सही बहुत मज़ा आएगा। सही। हमें उर्दू बोल कर या जिस तरह पंजाबी है तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा कदम उन्होंने उठाया जी। और आज भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे उर्दू स्पीकिंग बहुत ज़्यादा है जी, और आपस में इंटरेक्शन है, यहाँ पर बातचीत हो रही है। बहरहाल बहुत अच्छा लग रहा है और अल्लाह ने बहुत तरफ है। हमारी भी जो तंजीम है, हमें पाकिस्तान है, मैं उसका जनरल सेक्रेटरी। अच्छा। और हमारा ये हम है पाकिस्तान जो है ये कब से ये चल रही है तुम्हें? हमें पाकिस्तान जो है तंजीम तो बहुत पुरानी है, लेकिन 2014 से ये एक्टिव सही साहब ने इसकी दाखिल डाली थी और पिछले 4 साल से ये रजिस्टर्ड भी हो चुकी है बकायदा। अच्छा। और हम तो बहुत ही प्रोग्राम करते हैं जो कि आप खोज भी नहीं सकते। अच्छा। इसके अंदर ज़्यादातर एक तो ये है कि जर्मनी में रहने वाले पाकिस्तानियों की पाकिस्तान से आ गई जितने भी फंक्शन हैं जी, जितने भी प्रोग्राम होते हैं वहाँ सब करते हैं। इसके अलावा ये है कि हम जो यहाँ पर रेफ्यूजीज आते हैं या फिर टूरिस्ट आते हैं जी, मदद करते हैं इन द सेंस के जैसे कि ट्रांसलेशन वगैरह हैं या उनकी ठीक है या कुछ है। बिल्कुल सही। हम तो कुछ नहीं है। बिल्कुल सही। मदद करते हैं।
जिस हद तक मदद हो सकती है वो आप इस हद तक होती है कि खासतौर से जो टेम्परेचर का मामला है जी वो बहुत ही पेचीदा है यहाँ पर। राइट, हम जाहिर है कि हम तो टूरिस्ट तो है नहीं, लेकिन हमारे पास इसका नो हाउ है कि इसको कैसे किया जाए। बिल्कुल ठीक है, और अल्लाह का शुक्र है कि अब तक हम लोगों ने कई दोस्तों की या कई फैमिलीज की जो आपकी बुक है वो रुकवाई है। बल्कि एक केस तो ये भी था कि अच्छा एक केस ऐसा भी था कि एक लड़का जहाज के अंदर बैठा हुआ था, अच्छा। उसको वहाँ लेकर आ गया था हमारा, लेकिन सिर्फ ये कि इसका नो हाउ है और इसके लिए सच बोलना ज़रूरी है, तावन चाहिए उनका जो ये यहाँ पे लोग आते हैं। जाहिर है कि वो अपने मुआशी वजह के आते हैं, मेरा ख्याल है ये ना किस्म की हम बहुत ज़्यादा लोगों की मदद करते हैं और अल्लाह का शुक्र है। मेरा ख्याल है कि अब इनमें बाकी का इंशाल्लाह बाद में करेंगे, प्रोग्राम शुरू हो गया है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाह नहीं, वही सबसे बुलंद रुतबा बड़ी अजमत वाला है।